इस कहानी की शुरुआत होती है सोपरियान देश से, जहाँ की रानी का नाम होती है आयशा। यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरे देश से अलग होती है और इसी के साथ यहाँ पर पूरी पूरी जनता और देश को कंट्रोल करने वाले कुछ सिस्टम भी होते हैं, जो कि कुछ बैटरी से चलाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी कुछ खास बैटरी को चुराने के लिए देश और दुनिया से काफी सारे दुश्मन आकर तरह तरह की कोशिश भी करते हैं, और इसी के बचाव के लिए आयशा यहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम को हायर करती है। अब एक दिन दूसरी दुनिया से कुछ दुश्मन आकर उस बैटरी को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पहुँच जाती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और अब काफी लंबी फाइट के बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो ही जाती है। अब वहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रॉकेट सोचता है कि आखिरकार इस बैटरी में से क्या खास बात है जो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। वहाँ से रॉकेट कुछ बैटरी को चुरा कर अपने बैग में रख लेता है। जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहाँ से जाने वाली होती है, तभी वहाँ की रानी आयशा को यह बात पता चल जाती है कि उनमें से ही किसी एक ने हमारी खास बैटरी को चुरा लिया है, और इस बैटरी को वापस लेने के लिए आयशा अपनी पूरी पूरी फोर्स को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पीछे भेज देती है और उस पर काफी सारा हमला भी करती है। यह देखकर ड्रैक्स शिप से बाहर निकलकर उनका काफी जमकर सामना करता है। वहीं उनके शिप के सामने एक अजीब सी शिप आ जाती है, जिसको एक दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा था। यह इंसान पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर वो एक पोर्टल को ओपन कर देता है दूसरी दुनिया का, जिस कारण गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी पूरी टीम अपने मिलानो शिप के साथ में उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन शिप की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से उनका शिप वहीं पर क्रैश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक इंसान आता है, जिसने उस अटैक से सभी की जान बचाई होती है। वो आकर पीटर से कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका फादर ईगो है, लेकिन पीटर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए ईगो पीटर को अपने साथ ले जाता है और बाकी टीम मिलानो शिप को रिपेयर करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयशा अपनी उस खास बैटरी को वापस पाने के लिए एक बंदे को हायर करती है, जिसका नाम होता है येंडू। वहीं दूसरी तरफ पीटर क्विल की पूरी टीम अपने मिलानो शिप को रिपेयर करने में लगी हुई थी, लेकिन तभी वहां पर येंडू और उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है उसे अगवा करने के लिए, क्योंकि उन्हें उनसे वो खास बैटरी चाहिए थी जिसको आयशा ढूंढ रही थी। तभी वहां पर कमूरा की बहन नमूरा भी पहुंच जाती है उस बैटरी को लेने के लिए। यहां पर येंडू एक होनहार और एक साथी चोर होता है, लेकिन उसे चोरों का सरदार बने काफी टाइम हो चुका था। तभी येंडू की टीम में से एक शख्स आकर कहता है कि आखिर कब तक हम येंडू की हुक्म का पालन करते रहेंगे, अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इस पूरी टीम को लीड करूं। तभी येंडू की पूरी टीम डीजर फोर्स को अपना लीडर बना लेती है, जिसके बाद में डीजर फोर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और येंडू को उसी शिप की जेल में बंद कर देते हैं। अब वहीं पर येंडू और रॉकेट मिलकर इस जेल से बाहर कैसे निकले जाए इसके बारे में प्लान बना ही रहे होते हैं, आखिर चाबी को कैसे लेके आया जाए, जिसके बाद में रॉकेट वहां ग्रूट को चाबी लेने के लिए भेज देता है। लेकिन ग्रूट जो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको इतनी समझ में नहीं होती कि उन चोरों से चाबी को कैसे लिया जाए। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है येंडू का वफादार, जो ग्रूट को उन चोरों से चाबी को चुराने में मदद करता है ताकि येंडू जेल से बाहर निकल जाए। जहां पर येंडू के पास में एक खास वेपन होता है जो उसकी सीटी की आवाज से ऑपरेट होती है। वहीं येंडू अपनी खास वेपन पाकर उस पूरे शिप पर जितने भी चोर मौजूद होते हैं उन सभी को जान से मार डालता है, जिसके बाद में यहां से सीन शिफ्ट होता है पीटर की तरफ में, जो अपने फादर के साथ में ईगो प्लेनेट पे पहुंच चुका होता है ड्रेक्स और कैमूरा के साथ में। वहां पहुंचकर ईगो पीटर को अपनी पूरी रामकथा बताता है कि वो कैसे कई सालों से तुम्हारी तरह एक सेलेशन को ढूंढ रहा है, उसने काफी बार अलग अलग दुनिया में जाकर अलग अलग लड़कियों के साथ में इंटीमेट होकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करी, लेकिन जब भी उसका कोई बच्चा होने वाला होता है लेकिन वो जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। लेकिन पीटर तुम उन सेलेशन में से एक बंदे हो जो अपनी पावर के साथ में पैदा हुए हो। साथ में ही वहाँ ईगो पीटर को उसकी माँ की सारी बातें बताता है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा राज पता चलता है कि ईगो ने ही योंडू को पीटर को अर्थ से उठाकर अपने पास लाने के लिए कहा था, लेकिन योंडू के मन में एक चोर होता है, इसीलिए वो पीटर को ईगो को ना देकर अपने पास में ही रख लेता है। जब यह बात पीटर को पता चलती है वे अका बका रह जाता है। तभी ईगो पीटर को अपनी पावर याद दिलाता है और बताता है कि अपनी पावर को यूज कैसे किया जाता है। साथ में वो ये भी बताता है कि तुम एक ऐसे सेलेशियल हो जो किसी भी चीज को बना सकते हो, इसको बिगाड़ सकते हो, साथ में तुम कुछ भी कर सकते हो, यह पूरी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी के अंदर कैद है। वहीं दूसरी तरफ हम नेबुला को देख पाते हैं जो अपनी बहन कैमूरा को ढूंढ रही होती है और आखिरकार वो उसे ढूंढ लेती है। तभी नेबुला अपनी बहन कैमूरा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन कैमूरा को यह देख अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक गुफा के अंदर चली जाती है, जिस कारण नेबुला का शिप भी वहीं पर क्रैश हो जाता है। कैमूरा यह देखकर वहां पर पड़ी बहुत बड़ी मशीन गन को अपने कंधे पे उठाकर नेबुला के शिप पर अटैक करने लग जाती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी नेबुला कैमूरा से अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे थेनोस को धोखा देने के बाद में थेनोस ने मुझके ऊपर बहुत
ही टॉर्चर किया था। जब यह बात जैसे ही कमोरा को समझ में आती है वो नेबुला के साथ में हाथ मिला लेती है। वहीं दूसरी तरफ ईगो पीटर को अपनी पावर को सही तरीके से यूज करने के बारे में बता ही रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे पीटर अपनी पावर का यूज करना सीखता है उसे पास्ट में भी यह पता चल जाती है कि वो ईगो ही था जिसने उसकी माँ को जान से मारा था। यह बात पीटर को जैसे पता चलती है वे काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक से ईगो पर शूट करने लग जाता है। तभी ईगो को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नादान बच्चे, इस बंदूक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ हम एक न्यू कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है मिंटी, जो ड्रेस के पास में बैठी होती है। ड्रेस काफी ज्यादा शांत होता है इसलिए वो ड्रेस के मन में क्या बात चल रही है उसे जानने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ड्रेस काफी ज्यादा परेशान है, उसने कई सारे मुसीबतों का सामना किया है। जब जैसे ये बात उसको पता चलती है वे ड्रेस को गहरी नींद में सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रुट्स और रैकेट ईगो प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं पीटर को वापस लेने के लिए। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ईगो ही है, जिसके बाद में वो प्लानिंग बनाते हैं कि ईगो को कैसे हराया जाए। जिसके बाद में रॉकेट वहां पर एक बॉम्ब तैयार करता है और वहां ग्रुट को ले जाकर देता है कि तुम्हें इस बॉम्ब को ले जाकर ईगो के दिल में ब्लास्ट करना होगा, तभी वो मारा जाएगा वरना वो हम सभी को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ ईगो और पीटर के बीच में एक शानदार फाइट होती है। उसी बीच रॉकेट भी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर ग्रुट को बॉम्ब ब्लास्ट करना होता है और वहीं पर ग्रुट बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब ईगो बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ईगो प्लेनेट भी तबाह होने लग जाता है। तभी वहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम अपना स्पेस सूट पहनकर योंडू के सीप पर जाने लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पीटर के पास में स्पेस सूट है ही नहीं। योंडू यह देखकर पीटर को अपना स्पेस सूट दे देता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, और इसी के साथ पीटर की जान बच जाती है और योंडू अपना सेक्रीफाइस दे देता है। वहीं नेबुला और कैमुला आपस में साझा कर लेते हैं, तभी नेबुला वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चोरों का सरदार योंडू के इस सेक्रीफाइस को देखकर पूरी की पूरी टीम योंडू को ट्रिब्यूट देते हैं। और इसी के साथ में हम इस मूवी की मिड क्रेडिट सीन में ग्रुट को देख पाते हैं जो अब टीनेज में आ चुका होता है और वो उन्हीं की तरह गेम खेलने लग जाता है और अपने रूम को गंदा रखने लग गया था। तभी पीटर वहां आकर ग्रुट पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैथलीन, जिसके पास में अब योंडू की खास वेपन होता है जो विसल से ऑपरेट हुआ करती थी। तभी वो विसल को बजाती है जिसकी वजह से वो वेपन गलती से ड्रेस के गले में घुस जाती है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है आयशा को जो बात कर रही होती है एडम के क्रायोजेनिक स्लीप चैम्बर से, जहां पर वो कहती है कि जिन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ने मुझे बहुत परेशान किया है अब एडम ही उसका बदला लेगा। और अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है द ग्रेट स्टेलन को जो वहां पर दूसरी स्पीसीज के साथ में अपनी बीती जिंदगी के बारे में बातचीत कर रहा होता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।